हेलो फ्रेंड, सर्वेसी किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे व्रत में खाई जाने वाली रेसिपी। ये हमने आलू लिए हैं उले हुए। इसे हमने सबसे पहले कद्दूकस कर लिया है और इसमें हम डालेंगे पपीता। पपीता को सबसे पहले हम काटेंगे, फिर इसके बाद में हम छीलेंगे इसे, और बीच में जो होता है इसका जो पार्ट, ये हम निकाल देंगे। फिर इसको हम छील लेंगे और फिर इसे हम कद्दूकस करेंगे। जो हमने उबले हुए आलू कद्दूकस करे हैं उसी में हम पपीता को कद्दूकस कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक और हरी मिर्च, क्योंकि हम बना रहे हैं व्रत में खाने के लिए। इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिला दें। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है रेसिपी। एक बार व्रत में जरूर बना के खाएं और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। आलू और पपीता को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है और इसमें हम डालेंगे साबूदाना का पाउडर जो हमने बना के घर पर रखा है। पहले हमने साबूदाना को लिया है और फिर इसका हमने पाउडर बनाया है घर पर। अब हम हाथों पे सबसे पहले हम घी लगा लेंगे और इसको लोई बना लेंगे हम। छोटी छोटी आप बड़ी छोटी कैसे ही बना सकते हैं, मैं छोटी छोटी बना रही हूँ। इसे हम टिक्की की तरह शेप दे देंगे। इस तरह से हम बनाएंगे टिक्की की तरह, छोटी बड़ी आप बना सकते हैं। बनकर तैयार है हमारी ये आलू की टिक्की, आलू और पपीता की टिक्की। इसी तरह से हम बाकी सब बना लेंगे। आप चाहे तो बिना व्रत में भी खा सकते हैं, इसमें थोड़ा चटपटा और डाल सकते हैं, ये क्योंकि ये व्रत में खाई जाने वाली है, इस वजह से इसमें ज्यादा मसाले नहीं डाले हैं। अब जो हमने साबूदाना का जो पाउडर बनाया है इसी में हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। आप चाहे एक बार कर सकते हैं या दो बार कर सकते हैं, मैंने एक ही बार करा है, और आप चाहे जैसे दो बार भी कोटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी टिक्कियों को भी कोटिंग कर रही हूँ। सारी टिक्कियों को हमने इस पे कोटिंग कर ली है और हमने लगाया है 1 चम्मच देसी घी। इसी में हम सारी टिक्कियों को रख देंगे और धीमी धीमी आंच पे इसे हम फ्राई करेंगे। फिर हमने 1 चम्मच देसी घी लगाया है और फिर इसे हम पलट देंगे। इसी तरह से हम एक दो बार पलटेंगे जब तक ये थोड़ी करारी ना हो जाए। फिर हमने देसी घी लगाया है और फिर इसे हम पलट दिया। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये हमारी सिक्के तैयार हैं, फ्राई हो गई ये हमारी टिक्की, इसे हम निकाल लेंगे। सारी टिक्कियों को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। बनकर तैयार है हमारे आलू और पपीता की मजेदार टिक्कियां। एक बार इसे जरूर बना के खाएं, ये दही या हरी चटनी के साथ बनाकर जरूर खाएं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।